आवाज़ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? आवाज़ भी प्रॉब्लम आई तो बताना, ठीक है? ओके, नाउ दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4, यूनिट नंबर 5, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म हमारे आजू बाजू, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, क्लासेस ऑफ मैग्नेटिज्म, एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सम लॉस, क्यूरी लॉ, क्यूरीविस लॉ एंड हिस्टेरेसिस। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हो सकता है ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन मैग्नेटिज्म इन कॉन्सेप्ट के बगैर अधूरा है, और ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आगे फिजिक्स में तुम अगर एमएससी करते हो या आगे फिजिक्स में करियर बनाते हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पता होनी चाहिए, और ये थेरीज मैग्नेटिज्म में पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कौन सी थेरी पढ़ने वाले हैं हम? ऐसे तीन थेरीज है, लैंग्विन थेरी के दो थेरीज है, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के लिए, और एक है क्वांटम थेरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अगर ये तीन चीज़ें पढ़ लेंगे तो ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल लैंग्विन थेरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म। क्लासिकल लैंग्विन थेरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, और ये थेरी किसको अप्लीकेबल है? डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म को। आज डायमैग्नेटिज्म का केस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पैरामैग्नेटिज्म का केस पढ़ेंगे। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैंने पहले ही बताया था कि व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म। फील्ड नहीं रहेगी, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। इन एब्सेंस ऑफ फील्ड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, बट एज सुन एज वी अप्लाइड द फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन। ये फील्ड का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ फील्ड नो मैग्नेटिक मोमेंट, बट एज सुन एज वी अप्लाइड द फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन अपोजिट टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो सिंपल, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी बताया। हाउएवर, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अभी बताया। जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम एक सिंपल केस पढ़ते हैं। सपोज डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम एक सिंपल केस कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सपोज करो ये हाइड्रोजन एटम है एंड दिस इज वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओके अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये वेलोसिटी, ये वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है। ये हमने केस पढ़ा था एक बार जब मैं बता रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, फर्स्ट लेक्चर में, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। यही चीज है थोड़े बहुत रिलेटेड इसमें। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर ऑर्बिट। सपोज ई इज द इलेक्ट्रॉन, ओके इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट मूव कर रहा है, आर रेडियस है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया है, ठीक है, बी इन द जेड डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक मोमेंट इज जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन में क्या आता है? मैग्नेटिक मोमेंट आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ करंट लूप। और करंट लूप मतलब करंट आ गया, करंट आया और एरिया, करंट इनटू एरिया इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इसमें। तो ये कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आर क्या है, ऑर्बिट की रेडियस है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है बी इन जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा ड्यू टू द करंट। ओके, करंट लूप, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ करंट लूप, और ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक मोमेंट इज जनरेटेड बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट इनटू एरिया। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह दिखता है। पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज, आगे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दो, एक अप मोमेंट एक डाउन मोमेंट इस तरीके से। और क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं अगर हम फील्ड अप्लाई नहीं करते, एक अप होता है और दूसरा डाउन होता है, कैंसल होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. ओके, व्हाई? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अप एक डाउन, लेकिन जैसे फील्ड अप्लाई किया कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ये जो क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. सो हम एक सिंपल केस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, आर रेडियस है, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है यहां पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा टेंथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फोर्स जनरेट होती है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के वजह से क्या होता है, उस एरिया में एरिया इन विच द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेटेड दैट ड्यू टू दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुमने 10वीं में 10th में पढ़ा होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ओके, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फाइ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल, सर्कुलर लूप. बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर लूप द एरिया इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी फाइ इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर. वेरी इजी, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ लूप. अब तो हो गया ये, मुझे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल गया. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा था तो कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गई ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, मुझे पता चल गया फाई इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर. ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स. अब तुमने टेंथ में फिर से एक चीज पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा होगा. हेलो, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. इट मींस दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्ड्स टू द इंड्यूस ईएमएफ. ओके, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ. ओके, फैराडे लॉ इज ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस EMF. अगर उसमें नेगेटिव साइन लगा दिया तो उसको बोलते हैं लेंज लॉ. लेंज लॉ और मैग्नेटिक लॉ में सिर्फ साइन ऑपोजिट है, ठीक है. सो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप, लूप मतलब इलेक्ट्रॉन एक लूप में घूम रहा है सर्कुलर लूप में, तो EMF इंड्यूस होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा ये तुमने 10th में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है. तो क्या फॉर्मूला रहता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप और इन पर्टिकुलर एरिया इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. ये माइनस आया तो ये लेंज लॉ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये फैराडे लॉ के कॉन्सेप्ट से आया. फैराडे लॉ क्या बोलता है, इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, माइनस लगा दिया तो उसको लेंज लॉ बोलते हैं. बट दिस कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम द फैराडे लॉ, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में ये तुमने पढ़ा था, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. माइनस इसलिए लगाया, लेंज लॉ ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसलिए माइनस लगाया. ये कॉन्सेप्ट आया फैराडेज लॉ से, बट इसको लेंज लॉ बोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आया फैराडेज लॉ से, इसलिए मैंने यहां पर बाय फैराडेज लॉ लिखा, ठीक है. अभी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने निकाला फाइ इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर, बट चेंज इन बट मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, बट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. अब फाइ की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं मैं, बी इंटू पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन. ओके, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फाइ हियर. ओके,
After putting the value of phi from equation 1, E is equal to minus d by dt, d by dt, phi की जगह क्या रख दिया, b into pi r square, b into pi r square. Just look at my mouse arrow, I just substitute the value of phi in this equation, so it will be E is equal to minus d by dt into b into pi r square. पाई क्या है, कांस्टेंट. आर क्या है, कांस्टेंट. आर क्यों कांस्टेंट है, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ऑर्बिट चेंज होने वाला है क्या, जैसा ऑर्बिट है वैसा ही रहेगा. ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ऑर्बिट इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज कांस्टेंट. पाई द वैल्यू इज कांस्टेंट, ओनली बी इज नॉट कांस्टेंट, बी इज चेंजिंग. सो पाई और आर स्क्वायर को डेरिवेटिव के बाहर लाएंगे और बी को अंदर रखेंगे, तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी. This is the equation number one. तो अभी मुझे पता चल गया कि EMF induced कितना होता है, due to change in the magnetic flux in the loop, in the current loop, the EMF induced is equal to minus pi r square dB by dt. ये तो पता चल गया अभी मुझे, minus pi r square dB by dt. अब जो ये EMF induced होता है, okay, दैट उस EMF इंड्यूस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. दैट EMF इज करोस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, जहां पे भी EMF और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया, जहां पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऐसे अगर कॉन्सेप्ट आया, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, करोस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होती है. जब ये करंट लूप है, करंट लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है और वहां पे EMF आ रहा है, EMF आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा. सो दिस EMF इज करस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स जो EMF अभी पैदा हुआ, जो EMF वहां पे इंड्यूस हुआ, दैट इज करस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दैट क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, वो ओके, ईएमएफ करोस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो ईएमएफ पैदा हुआ वहां पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से करोस्पॉन्ड रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको पता है, ये भी तुमने फॉर्मूला कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा. ओके, जब टेंथ में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो भी बता रहा हूं नई चीजें नहीं है, ये चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ी है, वही फॉर्मूलेस को यहां यूज कर रहा हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको पता है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू V बाय डी, E इज इक्वल टू V बाय डी. दैट इज, सो दिस EMF इज करस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट V बाय डी. ये फॉर्मूला तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा. V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड D क्या होता है, डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस, ये कैपेसिटर में भी ये फॉर्मूला यूज होता है. कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस, और जैसे दो कैपेसिटर प्लेट रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाय डी, पोटेंशियल कितना डेवलप्ड हुआ, इनटू डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. तो यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसका फॉर्मूला होगा V बाय डी, लेकिन यहां पे V नहीं है, यहां पे पोटेंशियल की जगह EMF है, तो V की जगह E रखा, क्योंकि EMF जनरेट हो रहा है. ओके, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय डी, दिस इज द फॉर्मूला. बट हियर इन प्लेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल पुट E, बिकॉज हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF, एंड D मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, होल सर्कल, इट इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, टू पाई आर. सो मैंने क्या लिखा, डी की जगह टू पाई आर रखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. एंड वी की जगह ई लिखा, बिकॉज यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दैट इज जस्ट लाइक अ ईएमएफ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ईएमएफ पे करस्पॉन्डिंग, वो कितनी होगी, ई बाय टू पाई आर. अब ई का फॉर्मूला मुझे पता है, ई की वैल्यू क्या है, देखो फिर से बता रहा हूं, ई की वैल्यू क्या है, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 3 to 4, ये 4 में मैं ई की वैल्यू रख रहा हूं. ई की वैल्यू क्या थी, फिर से बता रहा हूं, ई की वैल्यू ये देखो, E इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी. सो माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी पुट कर रहा हूं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 to 4,
So we'll get the equation 4 becomes E is equal to 1 upon 2 pi r. E की value क्या है? Minus pi r square dv by dt. So E की value from equation number 3 से 4 में रख दिया मैंने. So E is equal to 1 by 2 pi r in the bracket minus pi r square dv by dt. Minus pi r square dv by dt कहां से आया? ये E की value है. EMF की. और 1 by 2 pi r already यहां पर है. So E की value मैंने put किया from equation number what? From equation number 3. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैंने E की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया. तो E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर इन द ब्रैकेट माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाय डीटी. ओके, ये हो गया वैल्यू. अब देखो, E इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर इन द ब्रैकेट माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाय डीटी. अब इसको सॉल्व करूंगा मैं. ओके, सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये देखो, R यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे R न्यूमरेटर में, एक R कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे पाई डिनोमिनेटर में है और ये पाई न्यूमरेटर में, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R और एक R कैंसिल होगा, तो एक R बचेगा बस. सो यहाँ पे क्या बचेगा, E इज इक्वल टू माइनस R बाय टू माइनस R बाय टू डी बी बाय डी टी. दैट इज द इक्वेशन नंबर 5. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, सो देयर इज अ सर्टन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. बी इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. So what is the relation? E is equal to minus R by 2. R is the radius of orbit and dB by dt. So ये equation मुझे मिल गया electric field का. Okay, by using the EMF. Okay, अब एक चीज याद रखनी है कि electric field के कारण electron क्या होता है? Electron को एक particular force आता है. किसी भी electron को electric field में रखो तो electron displace होता है. ओके, या इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में रखो तब भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स दैट दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ओके, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इंटू ई, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी इंटू ई इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी. ओके, बट हमको यहां पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है माइनस आर बाय टू डी बी बाय डी टी. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसिंग द फोर्स, कौन सा फोर्स, ये देखो ये वाला, एफ इज इक्वल टू माइनस ई बाय ई. ई इज चार्ज ऑन, माइनस ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस ई, माइनस साइन होता है और ई चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. और F क्या है, इलेक्ट्रिक, F क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस में आया, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई, एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. माइनस ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सिलरेशन. ओके, एफ इज इक्वल टू एम ए. ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए पता है तुमको. ओके, तो एफ की जगह पे मैंने एम ए रखा, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है, जस्ट फ्रॉम द इक्वेशन दिस, जस्ट सी दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस आर बाय टू डी बी बाय डी टी. सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 टू दिस इक्वेशन. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूंगा मैं यहाँ पे. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखने के बाद मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखा माइनस आर बाय टू डी बी बाय डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5. ओके, इक्वेशन नंबर 5 से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहां रख दिया. ओके, अब इसको सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये देखो, मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई इन ब्रैकेट माइनस आर बाय टू डी बी बाय डी टी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखा, बट एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी बाय डी टी. सो इन प्लेस ऑफ एक्सिलरेशन आई कैन राइट एज एम इंटू डी वी बाय डी टी. और यहां पे क्या होगा, माइनस ई
इन ब्रैकेट माइनस आर बाय टू, ये एज इट इज है, ये इस स्टेप में मैंने एज इट इज रखा। अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। सो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये देखो m m इंटू डी वी बाई डी टी, एम एम को मैं इस साइड में लेके गया तो ट्वाइस m हो जाएगा, ठीक है। सो m इंटू डी वी बाई डी टी माइनस ई इंटू माइनस आर बाय टू डी वी बाई डी टी, इस m को मैं इस साइड में लेके गया, इस m को मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस ई आर ट्वाइस m इस साइड में लाया मैंने, ठीक है, m आई हैव शिफ्टेड इन टू दिस साइड तो m होगा डिनोमिनेटर में। सो क्या बचा यहाँ पे, ई आर बाय ट्वाइस m और डी वी बाई डी टी। जस्ट सॉल्व किया, जस्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया मैंने, एक्सिलरेशन है डीवी बाई डी टी यहां पर रखा, ओके okay, m को इस साइड में, m इज कॉन्स्टेंट दैट्स वाई आई हैव शिफ्टेड टू दैट साइड। सो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस m डिवाइडेड बाई ट्वाइस m इन टू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। सिंपल चीज है ये, इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां डी टी, यहां पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहां पर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हटा सकते हैं हम, कैंसल नहीं होता ये, हट सकता है। यहां पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यहां पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt को हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये dt को हटा दिया मैंने, तो आया क्या यहां पे, dv इज इक्वल टू er अपॉन 2 m इनटू dv, dt को हटा दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, ठीक है। तो अब बचा यहां पे dv इज इक्वल टू er अपॉन 2 m इनटू dv। अब क्या करूंगा, अभी मेरे को v की वैल्यू चाहिए या मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ओके, बिकॉज यहाँ dv है और dv है, सो इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके, मुझे v की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो देखो यहाँ पे ये v dv को इंटीग्रेट किया फ्रॉम v1 टू v2, इसके लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन के, अगर मैं इस dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करता हूं तो लिमिट्स होंगे v1 टू v2, why v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड v2 इज द फाइनल वेलोसिटी। सो लिमिट इज v1 टू v2 इज इक्वल टू er अपॉन 2 m, er अपॉन 2 m, इंटीग्रेट यहां पे भी करूंगा dv को फ्रॉम 0 टू v, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 0, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b, इसलिए इसकी लिमिट्स क्या होंगी 0 टू b इनटू dv। वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट दिस स्टेप, जस्ट आई हैव टेकन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ एंड आई हैव टेकन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, एंड हियर द लिमिट ऑफ वेलोसिटी इज v1 टू v2, बिकॉज v1 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v2 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हियर द लिमिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 टू b, बिकॉज 0 इज इनिशियल, 0 इज इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड एंड b इज पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फिर हमने बढ़ाया तो b तक गया, 0 टू b। इसको सॉल्व करेंगे, अभी ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, और लिमिट क्या है v1 टू v2, और dv का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू b, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा b, ओके। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स क्या है v1 टू v2 इज इक्वल टू er ट्वाइस m इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b dv, और 0 टू b dv का इंटीग्रेशन क्या होता है b, ओके, dv का इंटीग्रेशन होगा b, और लिमिट क्या है 0 टू b, इसलिए b आएगा यहां पे। सो यहां पे लिमिट पुट करने के बाद v के लिमिट है v2 v1, तो पहली लिमिट पुट करेंगे तो v2 माइनस, माइनस होगा सेकंड लिमिट v1, तो फाइनल लिमिट मतलब v2 माइनस v1, ये इंटीग्रेशन पता है तुमको, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, v का लिमिट v2 है तो v2 माइनस v का लिमिट फिर v1 पुट करूंगा तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू er अपॉन 2 m, और dv का इंटीग्रेशन होता है b, ओके okay. तो ये आ गया मुझे, और v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, ओके, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट er अपॉन 2 m इनटू b, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 बोलूंगा। तो हमको अभी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू, हैविंग रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r, इन इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसका मतलब यह है कि हमको वेलोसिटी मिल चुकी है अभी इलेक्ट्रॉन की, कितनी चेंज हो रही है अगर वो ऑर्बिट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है, e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m है इलेक्ट्रॉन का मास, और b है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यह होगा चेंज इन वेलोसिटी। अब हम ये मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म को मेजर किस टर्म्स में करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुमको पता होना चाहिए। अब हमने वेलोसिटी तो निकाल लिए, अब इस वेलोसिटी का क्या फायदा है,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए, और अगर हम डायमैग्नेटिज्म या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिज्म, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कितना है वो कैसे पता चलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट से। ओके, सो तुमको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना होता है। पहले लेक्चर में मैंने समझाया था जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, करंट इंटू एरिया। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन इज करंट इंटू एरिया, और करंट मतलब क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस ई, टाइम टी, और एरिया क्या होता है, एरिया किस लूप में घूम रहा है, सर्कुलर लूप में, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल टू करंट हो जाएगा माइनस ई बाय टी, मतलब करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, और माइनस ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टाइम टी, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ लूप क्या, सर्कुलर लूप है इसलिए पाई आर स्क्वायर। और टाइम अभी निकालना है, अभी मुझे ई बताओ, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, सो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, एंड वेलोसिटी क्या है हमारे, ये वाली वेलोसिटी है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ठीक है। तो टाइम की जगह क्या रखेंगे हम, 2 पाई आर अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। ये फिर से बता रहा हूं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, करंट इंटू एरिया। करंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस ई, टाइम क्या है, टी, एरिया क्या है, लूप, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में घूम रहा है इसलिए एरिया है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसको, लेकिन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, टू पाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, टू पाई आर, ओके डैश, और वेलोसिटी कितनी है हमारी, डेल्टा वी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकाले हमने, डेल्टा वी। ओके, सो ये 2 पाई आर अपॉन डेल्टा वी को मैं इक्वेशन नंबर 8 में रखूंगा, टाइम की जगह, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन डेल्टा वी। आई विल पुट दिस वैल्यू टू इक्वेशन नंबर 8, पुटिंग इन 8, सो वी विल गेट मैग्नेटिक मोमेंट, 8 बिकम्स मैग्नेटिक मोमेंट इज माइनस ई बाय 2 पाई आर डेल्टा वी। टाइम की जगह क्या रखा, 2 पाई आर अपॉन डेल्टा वी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पता है तुमको, टाइम की वैल्यू मैंने बताया, टाइम डिस्टेंस क्या है 2 पाई आर, वेलोसिटी क्या है डेल्टा वी। अब इसको सॉल्व करूंगा, डेल्टा वी ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में माइनस ई इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी देखो पाई पाई कैंसिल, ये पाई है डिनोमिनेटर में, ये पाई है न्यूमरेटर में, और आर आर कैंसिल, ये आर और इसका स्क्वायर कैंसिल। ओके, ये पाई डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, पाई पाई कैंसिल, ये आर डिनोमिनेटर में है, ये आर न्यूमरेटर में, एक आर कैंसल। तो अभी बचा क्या, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आर, एक आर बचा यहां पर, आर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टू। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ रेडियस आर, ओके, इन विच द मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाइड टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट मीन्स अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। सो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई आर डेल्टा वी बाय टू। बट डेल्टा वी की वैल्यू मुझे पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन 8, जस्ट चेक दैट, दिस इज द इक्वेशन 8, डेल्टा वी की वैल्यू, सॉरी 7, दिस इज इक्वेशन 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, ई आर अपॉन 2 इंटू बी, तो ये वैल्यू इस पे रख देंगे। ओके, डेल्टा वी की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, ओके, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, ई आर बी अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 7, यहाँ 8 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है, माइनस ई ई इंटू आर बाय 2, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस ई इंटू आर बाय 2, डेल्टा वी की जगह मैंने ये वैल्यू रखा, ई आर बी डिवाइडेड बाय 2 ई इंटू आर इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 7, ओके। सो ये अभी ये मिल गया, मैंने डेल्टा वी की वैल्यू रख दिया, ई आर इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, और माइनस ई आर बाय डिवाइडेड बाय 2 ये ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करूंगा, ई इंटू ई, ई स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, माइनस है, माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन इंटू बी, नीचे क्या है 2, और यहाँ पे नीचे क्या है 2, 2 इंटू 2 4, इंटू एम 4m, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4m और न्यूमरेटर में आएगा माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी। ये जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी,
डिवाइडेड बाय 4m, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियस r इन विच b इज अप्लाइड इन द z डायरेक्शन। तो ये तो हो गया एक ऑर्बिट के लिए, एक ऑर्बिट के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन ऑर्बिट के जो ओरिएंटेशंस रहेंगे वो बहुत अलग अलग रहेंगे, और एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। तो ये तो हमने एक्सप्रेशन जो निकाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, एक एक ऑर्बिट के लिए निकाला, हाइड्रोजन एटम के लिए लिया। अगर मान लो मैं हीलियम का एटम कंसिडर करूंगा, ठीक है, तो दो दो ऑर्बिट होंगे। अगर मैं मान लो कि आगे और बड़े एटम्स की तरफ जाऊंगा, जिंक के तरफ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन मैंने निकाला वन ऑर्बिट के लिए। अगर मुझे सारे ऑर्बिट्स के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एज देयर आर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट्स इन एन एटम, एटम के अंदर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम्स होते हैं। ये एक्सप्रेशन, ये मैग्नेटिक मोमेंट मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही ऑर्बिट के लिए निकाला, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4m। इक्वेशन नंबर 10 इज अप्लीकेबल टू वन ऑर्बिट, बट देयर आर नंबर ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट्स इन द एटम। सो रैंडमली ओरिएंटेड ऑर्बिट इन द एटम है, तो ये जो r है उसको मीन कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे मतलब मीन लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। वहां पे अगर बहुत सारे ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट की रेडियस r1, दूसरे ऑर्बिट की रेडियस r2, तो उसका मीन लेना पड़ेगा मुझे। तो r बार मतलब क्या होता है? मीन ऑफ रेडियस ऑफ ऑल ऑर्बिट, मीन ऑफ रेडाई ऑफ ऑल ऑर्बिट। अगर एक ऑर्बिट है तो ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड है, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू बी डिवाइडेड बाय 4m। एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो ये इक्वेशन वैलिड है क्या? नहीं, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ ओनली वन ऑर्बिट। अगर मान लो r1 एक की रेडियस है, r2 एक की रेडियस है, 10 ऑर्बिट है, r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 ऑर्बिट है उसमें 10 रेडियस है, तो मुझे मीन लेना पड़ेगा, मतलब एवरेज लेना पड़ेगा। तो सपोज करो आर बार इज द मीन ऑफ रेडाई ऑफ ऑल ऑर्बिट्स। ओके, सो एक समझाने के लिए एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ये कंसिडर करो कि ये मान लो ये स्फेरिकल एटम है, ठीक है, स्फेरिकल एटम का एक ऑर्बिटल ऑर्बिट है जो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट है, सपोज करो स्फेरिकल शेप में है, ओके, तो इसका जो रेडियस क्या रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा थ्री डायमेंशन में, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये स्फेरिकल ऑर्बिट, जो भी स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑर्बिट है, इसके क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई एंड जेड, और इसका रेडियस वेक्टर क्या रहेगा, एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड के। ये पता है तुमको स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए रेडियस वेक्टर क्या रहेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और रेडियस क्या रहेगी, अगर रेडियस निकालना है तो आर डॉट आर, मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये स्फेयर की रेडियस होती है, ठीक है। अगर मान लो ये स्फेरिकल ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिक है, तो ये रेडियस अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो ये तो एक ऑर्बिट की बात हो गई, ठीक है। अगर मुझे सारे ऑर्बिट्स की बात करना है, एक ही ऑर्बिट की बात हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक ही स्फेयर की बात हो गई, एक ही स्फेयर की बात हो गई इसमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मुझे बहुत सारे स्फेयर्स की बात करना है तो ये मीन लेना पड़ेगा, तो एक्स एक्स डायरेक्शन का भी मीन लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का भी मीन लेना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन का भी मीन लेना पड़ेगा, आर का भी मीन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो तीनों का भी मीन लेना पड़ेगा। अगर एक ऑर्बिट है तो ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो मीन लेना पड़ेगा। तो सपोज करो रेडियस का मीन होता है आर बार, एक्स डायरेक्शन का मीन होता है एक्स बार, वाई डायरेक्शन का मीन होता है वाई बार, एंड जेड डायरेक्शन का मीन होता है जेड बार। तो क्या आएगा? सो आएगा आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। ये जो मैंने निकाला है रेडियस, ये मीन रेडियस है, ये मीन रेडियस, मीन एक्स डायरेक्शन, मीन वाई डायरेक्शन, मीन जेड डायरेक्शन। सिर्फ एक ऑर्बिट के लिए निकालता तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट यहां सिर्फ हम एक ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे, एक ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, लेकिन अभी हमको सारे ऑर्बिट्स के लिए निकालना है। तो सारे ऑर्बिट्स के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, मोर देन वन ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। एक ऑर्बिट के लिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करेंगे तो मीन लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां लगाया आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। अब x बार स्क्वायर इज इक्वल टू y बार स्क्वायर इज इक्वल टू z, ये तीनों डायरेक्शन इक्वल होते हैं स्पेयर में। स्पेयर क्या होता है? सिमेट्रिक। x डायरेक्शन भी इक्वल होता है y डायरेक्शन, अगर x डायरेक्शन में रेडियस देखोगे तो इक्वल, y डायरेक्शन में रेडियस देखोगे तो इक्वल, z डायरेक्शन में रेडियस देखोगे तो इक्वल। मतलब
स्पेयर में तीनों डायरेक्शन इक्वल होते हैं, तभी तो उसको स्पेयर बोलते हैं ना। बॉल, बॉल को किसी भी साइड से घुमाओ इक्वली रहेगा। इसका मतलब जो बॉल होता है, जो स्पेरिकल शेप होता है, उसमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा, एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर फॉर स्पेरिकल एटम और स्पेरिकल शेप। एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर। सो ये एक्स बार वाई बार स्क्वायर की जगह मैं एक्स बार स्क्वायर लिख सकता हूं, जेड बार स्क्वायर की जगह मैं एक्स बार स्क्वायर लिख सकता हूं, बिकॉज ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑल थ्री डिस्टेंसेस आर इक्वल इन स्पेयर, बिकॉज स्पेयर इज अ स्पेरिकल सिमेट्रिक शेप, सिमेट्रिक शेप होता है, इसलिए तीनों डायरेक्शन इक्वल होते हैं। एक्स डायरेक्शन में रेडियस भी, वाई डायरेक्शन में रेडियस इक्वल होगी, जेड डायरेक्शन में भी होगी। सो आर बार क्या हो गया, आर बार स्क्वायर हो गया एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। ओके, सो एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर तीनों इक्वल है, इसलिए मैंने वाई की जगह पे भी एक्स लिख दिया, जेड की जगह पे भी एक्स लिख दिया। सो आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर तीनों की जगह एक्स लिख दिया, बिकॉज एक्स वाई जेड इक्वल है। ठीक है, एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर क्या आ जाएगा, थ्री एक्स बार स्क्वायर, वन 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 प्लस वन प्लस वन, थ्री एक्स बार स्क्वायर। सो एक्स बार स्क्वायर यहां से निकालना है तो 3 इस साइड शिफ्ट करूंगा, तो एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 11। ये सब हम मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब सारी चीजें क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको मोर देन वन ऑर्बिट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इसके पहले जो इक्वेशन नंबर 10 था वो सिर्फ एक ऑर्बिट के लिए था। फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है सिर्फ वन ऑर्बिट के लिए है, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4m, दिस इज फॉर वन ऑर्बिट। बट देयर आर मोर देन वन ऑर्बिट, इफ देयर आर मोर देन वन ऑर्बिट देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन रैंडमली डायरेक्शन, तो हमको ये इक्वेशन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं एक्स बार ये मीन लिया, मैंने मीन लिया रेडियस का, एक्स डायरेक्शन का मीन, वाई डायरेक्शन का मीन, जेड डायरेक्शन का। बट स्पेयर के लिए तीनों डायरेक्शन इक्वल होते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 11, एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब देखो एक चीज अभी और बताने वाला हूं, स्पेयर। ओके, मैग्नेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में रिवॉल्व हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन। Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉन है X और Y डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा है प्लेन में, तो ये प्लेन है सपोज, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगाया तो इलेक्ट्रॉन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो टू डायमेंशनल रहेगा अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में लगाया तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगाया तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्टेड इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट्रिक्टेड इन एक्स वाई प्लेन। ओके, सो दस सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग जेड एक्सिस, सो एटम इज कन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन, मीन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन। सो अगर मान लो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में है तो यह किस तरीके का है, सर्कल, टू डायमेंशनल में सर्कल, थ्री डायमेंशनल में स्पेयर। अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगाया मैंने तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डायमेंशन, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कल ओनली, और सर्कल का इक्वेशन तुमको पता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ सपोज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल तो व्हाट इज द इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहां पे हम बहुत सारे ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे मीन लूंगा, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्शन में भी मीन लूंगा, वाई डायरेक्शन में भी मीन लूंगा। ओके, सो ये चीज याद रखनी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है कन्फाइंड होगा, द एटम इज कन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन कन्फाइंड है मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में है, और सर्कल का इक्वेशन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर लिया, बिकॉज यहाँ पे मैं मीन कंसिडर कर रहा हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस
वाई बार स्क्वायर। बट सर्कल में भी एक्स और वाई डायरेक्शन इक्वल होते हैं, तुमको पता है सर्कल में भी रेडियस इक्वल ही होती है, एक्स डायरेक्शन भी इक्वल होता है, वाई डायरेक्शन भी इक्वल होता है, बिकॉज सर्कल इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन टू डायमेंशनल, स्पेयर इज ऑल्सो सिमेट्रिक इन थ्री डायमेंशनल। जैसे स्पेयर के लिए मैंने लिया था एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर, उसी तरीके से सर्कल के लिए भी एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए भी एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बार स्क्वायर रहेगा, इसलिए वाई बार स्क्वायर की जगह मैं एक्स बार स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्कल भी सिमेट्रिक रहता है टू डायमेंशनल में, एक्स और वाई डायरेक्शन इक्वल रहते हैं, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन इक्वल रहते हैं सर्कल में भी, इसलिए मैं एक्स बार स्क्वायर और वाई बार स्क्वायर इक्वल लूंगा, इसलिए वाई बार स्क्वायर की जगह पे भी मैंने एक्स बार स्क्वायर लिया। ओके, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, सो एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स बार स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं एक्स बार स्क्वायर निकालूंगा आर स्क्वायर बाय टू, सो यहां से मुझे एक्स बार स्क्वायर निकल गया आर स्क्वायर बाय टू। आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, मतलब होल एटम, अभी हम होल एटम के लिए कंसिडर कर रहे हैं, सो आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ होल एटम, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और आर इज द रेडियस ऑफ होल एटम। ओके, सो हमारे पास अभी रिलेशन आया एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू, बट एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये देखो एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11। एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है आर बार स्क्वायर, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और आर बार क्या है? मीन रेडियस ऑफ ऑल ऑर्बिट्स। ओके, सम ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल ऑर्बिट, दैट इज मीन ऑफ द रेडियस ऑफ ऑल ऑर्बिट। सो एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर बार स्क्वायर बाय थ्री, ये पता है मुझे इक्वेशन नंबर 11 से। सो जो यहां पे है एक्स बार की जगह आर बार स्क्वायर बाय थ्री, ये मैं इक्वेशन नंबर 11 से लिख दिया यहां पे, फ्रॉम 11 आई नो दैट एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री। सो यहां हो गया आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर, और यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू। अब यहां से आर स्क्वायर निकालना है तो टू को उस साइड में शिफ्ट करूंगा, टू आई हैव शिफ्टेड टू टू दैट साइड, सो इट विल गो इन टू द न्यूमरेटर, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर बार स्क्वायर। मतलब अब ये मुझे रिलेशन मिल गया, रेडियस ऑफ एटम का रिलेशन मिल गया, रेडियस मीन ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल ऑर्बिट्स, सो आर बार इज मीन ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल ऑर्बिट्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ एटम। ओके, रेडियस ऑफ एटम्स का रिलेशन इस तरीके से होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर बार स्क्वायर। ओके, तो ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 12 बोल दिया। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट देखो, ठीक है, अभी देखो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने क्या निकाला था, ठीक है, उसके तरफ जाएंगे, अभी वो रिलेशन मिल गया मुझे, अब मैग्नेटिक मोमेंट के तरफ जाएंगे। देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 4m, सो दिस इज फॉर वन ऑर्बिट। अगर मैं पूरे एटम के लिए कंसिडर करूं तो, अगर मैं पूरे एटम के लिए कंसिडर करूं तो ये जो r है ये तो रेडियस ऑफ एटम है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, लेकिन अगर मैं पूरे ऑर्बिट पूरे एटम के लिए कंसिडर करूं, पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये तो सिर्फ एक ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट है, एक ऑर्बिट का, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 4m, दिस इज ओनली फॉर वन ऑर्बिट। लेकिन अगर पूरे एटम के लिए कंसिडर करना है तो ये r की जगह में मुझे कैपिटल r रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज r इज द, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड है, m मास है, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ये वन ऑर्बिट के लिए। अगर मुझे पूरे एटम के लिए अगर ये इक्वेशन लिखना है तो ये r की जगह में कैपिटल r लूंगा, कैपिटल r क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम, बिकॉज आई हैव टू राइट दिस इक्वेशन फॉर होल एटम, सो इन प्लेस ऑफ r आई विल बी पुटिंग कैपिटल r, रेडियस ऑफ एटम। ओके, तो इक्वेशन 10 में मैं ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखूंगा, बिकॉज मैं एटम को कंसिडर कर रहा हूं, और ये भी इक्वेशन याद रखना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाय थ्री आर बार स्क्वायर। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ होल एटम इफ देयर आर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो वो था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट के लिए था, इसलिए वहां स्मॉल आर था और इलेक्ट्रॉन का एक ही चार्ज था। अभी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? एटॉमिक नंबर पे। Z मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था और एक ही ऑर्बिट के लिए था। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट का वो इक्वेशन मैं मॉडिफाई करूंगा वो होल एटम के लिए रहेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रहेगा। अब सपोज करो सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11।
तो वो तो एक एटम के लिए था, तो मुझे तो एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अगर मुझे मान लो आर्गन के लिए निकालना है, आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 18 नंबर, एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है, वो तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन को, तभी 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलेगा। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर होल एटम इफ देयर आर जेड नंबर ऑफ जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, इफ देयर आर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करूंगा, म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एटम, एन एटम कैन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का छोड़ दो, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के लिए वो वैलिड है, लेकिन हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, ओके, बेरिलियम के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, ठीक है, ये वो वैलिड है क्या? नहीं। तो वो वैलिड इक्वेशन वैलिड कब रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जब मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, और जेड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर, और ये कैपिटल आर क्यों लिखा? बिकॉज नाउ आई एम राइटिंग फॉर होल एटम, होल एटम के लिए लिख रहा हूं, तो रेडियस ऑफ एटम रहेगी कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखूंगा, बिकॉज वहां मैंने सिर्फ एक ऑर्बिट की बात की थी, यहां मैं पूरे होल एटम की बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक रेडियस लेनी पड़ेगी, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। और दूसरी चीज, यहां पे दो चीजें मैंने मॉडिफाई की, एक स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा और जेड से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट होल एटम, इफ सपोज इट इज द एटम ऑफ हीलियम, सोडियम, ये मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, तो मुझे एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दो चीजें मैंने यहां ऐड की, दो चीजें यहां एक्स्ट्रा आई, एक जेड और एक स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फॉर होल एटम। सो द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 4m, तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 9, ये इक्वेशन था 9, इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा, बिकॉज कैपिटल R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द एटम, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एटम हो गया, म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 4m। अब मैंने क्या किया यहां पे, देखो R की वैल्यू, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने रख दिया 2/3 आर बार स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फिर से मैं बताऊंगा, ये देखो यहां पे हमने R की वैल्यू निकाले थे, ठीक है। सो दिस इज कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 आर बार स्क्वायर, ओके, कैपिटल R स्क्वायर की जगह मैंने वो वैल्यू रख दी 2/3 आर बार स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12। सो म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर, ओके, इन ब्रैकेट 2/3 आर बार स्क्वायर इन टू बी, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12। तो अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, माइनस जेड स्क्वायर इंटू टू, ओके, आर बार स्क्वायर इंटू बी, ये 3 क्या है डिनोमिनेटर में, तो 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 4 12 एम हो जाएगा, तो 2 1 2 2 6 12, तो इक्वेशन क्या बना, म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 6 m। तो ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर वन एटम, फॉर होल एटम, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर होल एटम इफ देयर आर जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट फॉर होल एटम। अब तो भाई एटम तक पहुंच गए हम, शुरुआत किए थे एक इलेक्ट्रॉन से, फिर एक ऑर्बिट पे आए, अब जाके हम एक एटम पे आ गए, सो एटम का डायपोल मोमेंट पता चल गया। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक मैंने बोला कि एक कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जिंक, जिंक का मेरे पास डब्बा है, जिंक का मेरे पास ब्लॉक है, तो जिंक के ब्लॉक में बहुत सारे जिंक के एटम हो गए ना, ये तो सिर्फ एक आइटम के लिए निकला। अगर मुझे सारे आइटम्स के लिए निकलना है तो पहले गिनने पड़ेंगे कि वो जिंक के ब्लॉक में कितने आइटम्स हैं। सपोज वहां पे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ आइटम्स है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट एक आइटम के लिए है, अभी हमको सारे आइटम्स के लिए निकालना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अगर एक जिंक का ब्लॉक, जिंक क्या है, डायमैग्नेटिक, उसका एक ब्लॉक लिया तो उसमें बहुत सारे डायमैग्नेटिक आइटम्स रहेंगे, तो ये एक एटम के लिए मोमेंट है। और सारे एटम्स के लिए अगर निकालना है मोमेंट, सो हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मुझे मैग्नेटाइजेशन निकालना है एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, सारे एटम्स का निकालना है, पूरे मटेरियल का निकालना है, तो उसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो, नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर होल डायमैग्नेटिक मटेरियल, एंड सिंस डायमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स, मुझे एन नहीं पता है, हो सकता है मैं छोटा ब्लॉक हूं तो ब्लॉक लू,
तो उसमें 1000 एटम होंगे, बड़ा ब्लॉक लूँ तो उसमें 2000 एटम होंगे, मुझे एटम की क्वांटिटी नहीं पता है इसलिए मैं बोल दिया कि एन नंबर ऑफ एटम्स। सो वी विल फाइंड आउट द होल, फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर होल डायमैग्नेटिक मटेरियल, सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स इन द मटेरियल, एन नंबर ऑफ एटम्स, मुझे एन नहीं पता है, एन 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ एटम्स इन द मटेरियल, सो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मैग्नेटाइजेशन, देयर फॉर डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द मैग्नेटाइजेशन। एक एटम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बहुत सारे एटम्स के लिए मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम, दैट इज मैग्नेटाइजेशन, इज म्यू अपॉन वी, इज इक्वल टू एन म्यू। ये एन म्यू देखो, एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द मटेरियल, एंड म्यू मतलब एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट। सो एक एटम के मैग्नेटिक मूवमेंट को एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक एक एटम का मैग्नेटाइजेशन म्यू, तो 10 एटम का 10 म्यू, 12 एटम का 12 म्यू, एन एटम का एन म्यू। तो उसी तरीके से एम इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ एटम्स एंड म्यू मीन्स द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन एटम। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन एटम मुझे पता है क्या है, माइनस जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर बी डिवाइड बाई 6 m, यहाँ से जस्ट एन से मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू का फॉर्मूला मेरे पास है, म्यू मैंने निकाला था ना, ये देखो म्यू क्या निकाला था, म्यू इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई 6 m, वेरी सिंपल। सो मैग्नेटाइजेशन फॉर होल मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन फॉर होल मटेरियल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू, और म्यू की वैल्यू मुझे पता है, माइनस जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 6 m, और एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये टोटल, ये जो मैग्नेटाइजेशन हो गया, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ होल डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला ये होगा, पूरे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, होल डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जहां द डायमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स। सो फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल वी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटाइजेशन। इफ किसी ने बोला कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करके दो, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, पहले उसका देखोगे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, फिर देखोगे जेड मतलब एटॉमिक नंबर क्या है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, फिर ई, फिर आर, फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है मैग्नेटाइजेशन, द फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तो हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब पूछा कि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या है। तुमको मैंने जब पढ़ाया था डायमैग्नेटिज्म के बारे में तो बताया था कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज नेगेटिव, लेस देन जीरो। ओके, सो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाय एच। ओके, तो इफ सपोज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल निकालना है तो एम बाय एच, जाय इज इक्वल टू एम बाय, काय इज इक्वल टू एम बाय एच। ये जो सिंबल दिख रहा है ससेप्टिबिलिटी का, उसको काय बोलते हैं ग्रीक लेटर्स, काय इज इक्वल टू एम बाय एच। एम कितना है, ये वाला एक्सप्रेशन, एम पता है, एच से डिवाइड कर दूंगा मैं तो ये ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगी मुझे डायमैग्नेटिक मटेरियल की फ्रॉम 13। ओके, सो ये जो काय इज इक्वल टू एम बाय एच, ये जो फ्रॉम 13 है, अब इसको एम की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो एम की जगह काय इज इक्वल टू एम बाय एच, एम की जगह ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट है, माइनस एन जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 6 m, एच नीचे, एम बाय एच है, एम की वैल्यू रखा और एच नीचे है। अब एक फॉर्मूला तुमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच। ये फॉर्मूला तुमको पता है, ये मैंने बताया था जब मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहा था। म्यू जीरो क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो बी की जगह हम म्यू जीरो एच लिख सकते हैं, ठीक है। बी का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एच, म्यू जीरो इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, और एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो बी की जगह म्यू जीरो एच रखा, अब ये एच और ये एच कैंसल, ये एच और एच कैंसल, तो बचा क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू माइनस एन जेड ई स्क्वायर आर बार स्क्वायर म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 6 m, ये एच एच कैंसल हो गया। ओके, अब जो एक्सप्रेशन देख रहे हो तुम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, काय इज इक्वल टू माइनस एन जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 6, यहां पे माइनस है। अब ये माइनस है
इससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। तो इससे ये प्रूफ हो गया, लैंगविन ने ये प्रूफ करके दिखाया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होती है। एक रू ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, दस ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। पहले तो बोल दिया नेगेटिव है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, क्यूरी लॉ में बोल दिया नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी पढ़ाते वक्त बोल दिया कि नेगेटिव है, लेकिन लैंगविन थ्योरी से प्रूफ होता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ के जो भी वैल्यूज रखो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आएगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। सो बाय लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म वी कैन प्रूव दैट ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। ओके, ये होगी ससेप्टिबिलिटी की बात। अगर मुझे रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना है तो तुमको एक फॉर्मूला पता था रिलेटिव परमिबिलिटी का क्या होता है। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर निकालना है, ओके, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल निकालना है तो तुमको पता है कि डायमैग्नेटिक रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, बताता हूं। सो रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ओके, सो ये देखो रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल 1 प्लस काय, और काय की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैंने इस एक्सप्रेशन से काय की वैल्यू निकाल के दी थी। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काय, ओके, ये है काय की वैल्यू, देखो ये, ठीक है। तो काय इज इक्वल टू माइनस जे एन जेड स्क्वायर आर बार स्क्वायर म्यू जीरो सिक्स बाय एम। तो बस रिलेटिव परमिटिबिलिटी अगर निकालना है डायमैग्नेटिक मटेरियल, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, सो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काय, और काय की वैल्यू रख दूंगा मैं। काय की वैल्यू क्या है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या निकाला, माइनस एन जेड ई स्क्वायर आर बार स्क्वायर म्यू जीरो सिक्स एम। अब ये देखो ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, वन माइनस समथिंग मतलब लेस देन वन। अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मान लो 0.2 है, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0.2 आई, तो 1 माइनस 0.2 क्या होता है 0.8, इसका मतलब 1 माइनस समथिंग। तो रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज 1 माइनस समथिंग, इट मींस रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन 1, ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 0 नेगेटिव, बट रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी और 1, ये याद रखना है। तो लैंगविन थ्योरी से दो चीजें प्रूफ हो गई, एक तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल नेगेटिव होती है, दूसरा रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 के नीचे ही होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये यूनिवर्सल प्रूफ हो गया लैंगविन थ्योरी से। सो लैंगविन थ्योरी इतनी है, ओके, लैंगविन थ्योरी में दो चीज़ें हमने स्टार्ट किया था, एक इलेक्ट्रॉन से ख़त्म किया सारे नंबर ऑफ एटम्स पे, पूरे मटेरियल पे ख़त्म किया, स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट पे, फिर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, फिर मैग्नेटाइजेशन ऑफ होल मटेरियल निकाला, फिर ससेप्टिबिलिटी निकाला, और ससेप्टिबिलिटी से ये प्रूफ हुआ कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव रहती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, माइनस आया एक्सप्रेशन में, और रिलेटिव परमिटिबिलिटी निकाला तो इससे ये प्रूव हुआ कि रिलेटिव परमिटिबिलिटी इज 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग मतलब 1 में से कुछ निकाल रहे तो 1 से लेस, इसका मतलब 10 फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव परमिबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट प्रूव कर किया लैंगविन थ्योरी ने, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, रिलेटिव परमिटिबिलिटी इज लेस देन 1, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायमैग्नेटिक्स से रिलेटेड ये क्लासिकल लैंगविन थ्योरी बताती है। ठीक है, ये जो थ्योरी बताती है कि कैसे डायमैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है और साथ में रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होती है। तो दिस इज द क्लासिकल लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पे एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप तुमको पता है क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला मैग्नेटिक मोमेंट, फिर एटम के लिए निकाला, फिर मटेरियल्स के लिए निकाला मैग्नेटाइजेशन, फिर ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सारे एक्सप्रेशन ईजी है, अदरवाइज नहीं जमेगा ये डेरिवेशन। ओके, सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते।